हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीर एंड मम्मा। और आज मैं आपको बेसन की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसन की सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 कप बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, छोटी चम्मच धनिया जीरा और काली मिर्च की मसाले। अब इन सबको हम मिला लेंगे पहले। धीरे धीरे पानी डालेंगे, इस बार में आप पानी ना डालें नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। इसमें थोड़ी सी पानी और जाएगी। जैसे हम डोसा का बैटर बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। चलिए अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे साइड में। ये लहसुन की कलियां छील के ले लिए हैं और ये मैं सरसों का पाउडर ले लूंगी 1 चम्मच के लगभग। इन दोनों को हम पीस लेंगे, इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करके इन सबको बारीक पीस लेंगे। मैंने मसालों को कटोरी में निकाल दिया, थोड़े से मसाले इसमें लगे हुए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हम निकाल लेंगे कटोरी में। अब मैं और भी मसाले इसमें मिला लेती हूँ। आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ये मसाला है, ये धनिया जीरा और काली मिर्च के मसाले हैं, लाल मिर्च, मसाले तैयार हो गए। अब चलिए ग्रेवी बनाते हैं। इधर मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, पैन को गर्म होने देंगे, उसमें फिर हम सरसों का तेल डालेंगे। गरम हो गई है, हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। हम 4 चम्मच के लगभग सरसों का तेल डालेंगे इसमें। इधर मेरा तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ी सी पचफोरन डाल दूंगी। जब ये चटक जाए अच्छे से तब हम सब मसाले जो बना के रखे हैं वो डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें 1 बड़े कटे टमाटर डाल दूंगी। ये नमक, नमक डालने से ये होता है कि टमाटर थोड़ी जल्दी पक जाती है। मसाले को अच्छे से पकने देंगे। इधर बीच बीच में हम मसाला चेक करते रहेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छे आते हैं। मसाले को अच्छे से पकने देंगे जब तक इसमें ऑयल ना रिलीज हो। अब इसको हम फिर ढक के पका देते हैं। इधर हम चल के बेसन का पपड़ी बना लेते हैं। मैंने इधर एक पैन चढ़ा लिया है, हमें बेसन के पपड़े बना लेते हैं। पैन को गर्म होने देंगे। इधर मैंने जो बेसन का घोल बना के तैयार किया था वो अब सेट हो गए हैं। इसको अच्छे से फैला लें।
थोड़े से इस पे ऑयल लगा देंगे। हम बीच बीच में मसाले भी चेक करते रहेंगे। देखिए अब मसालों में से ऑयल रिलीज होने लगा है। जितना आप मसाले अच्छे से पकाएंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। इधर एक बार हम पपड़िया चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पपड़िया तैयार हुई है। तो इसे ऑयल लगा देंगे और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक लेंगे। हम पपड़ियों को फोल्ड कर लेते हैं। देखिए ऐसे फोल्ड करें, गरम है। निकाल लेते हैं। इधर हमारे मसाला तैयार हो गया है। देखिए मसाले अच्छे से अब भून लिए हैं। अब इसमें हम पानी डालते हैं। मैंने एक कप के लगभग इसमें पानी डाल दूंगी। इसमें हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसका ढक्कन लगा देंगे। अब जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक इसको पकाते हैं। इसमें बॉयल आने लगी है, इसको 2 मिनट और पकाएंगे। देखिए ग्रेवी में बॉयल आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ग्रेवी को ठंडा होने देते हैं। फिर इसमें हम बेसन की पपड़ियाँ डालेंगे। मैंने इधर सारी पपड़ियाँ बना के तैयार कर लिया। अब इसको हम काट लेंगे। ऐसे छोटी छोटी टुकड़ों में हम काट लेंगे सारी पपड़ियों को। मैंने सारी पपड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ग्रेवी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब इसको हम डालेंगे। गरम गरम ग्रेवी में ना डालें नहीं तो ये टूटने लगेंगे। ये हमारी ग्रेवी ठंडी हो गई है। अब इसको हम सारी पपड़ियाँ इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए कितनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।